तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हम लगा देंगे और ये हमारा तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपका स्वागत है डेजर्ट लिविंग एंड ऑल में। आज पहली बार मैं आप सबके सामने आई हूँ। मेरा एक नया व्लॉग मैंने बनाया है, पहला व्लॉग है। आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरा ये व्लॉग देखें। एक्चुअल में ये व्लॉग नहीं है, व्लॉग भी कह सकते हैं आप, लेकिन साथ में एक DIY भी है जो मैं क्या बताने वाली हूँ आपसे अब थोड़ी देर में ही आपको बताऊँगी। आप देख रहे हैं ये कर्टेन, तो मैं कोई कर्टेन पे DIY नहीं बनाने वाली हूँ। मैं अपन आगे चलते हैं और अब देखते हैं क्या करने वाली हूँ मैं। लेट्स ओपन दी कर्टेन। और मैंने ये कर्टेन इस तरह से हटा दिए हैं। बेकार सी खिड़की दिख रही है आपको। ऐसी खिड़की हमारे घर में कभी ना कभी तो होती है, लेकिन अब ये क्या है, इसे ढकने के लिए हमें कर्टेन भी लगाना पड़ रहा है। लेकिन आज हम इस खिड़की को इस तरह से बना देंगे कि अगर कर्टेन नहीं लगाएंगे और कर्टेन ना लगे तभी ये सुंदर लगेगी। तो उसी का मैं DIY आपको बताने जा रही हूँ। डेकोरेट करने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए, देखिए ये थर्माकोल शीट है जो लगभग मोटाई में 1 इंच है। तो हमने इसकी 3 शीट ले ली है जो लगभग 2.5 फुट की है। और इसी के साथ में हमें कुछ एक्रेलिक कलर चाहिए। देखिए मैं मार्केट से लेके आई हूँ, बिल्कुल बहुत सस्ते हैं, 20-15 रुपये में ये मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 कलर लिए हैं, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू एंड रेड। और हमें फ्रेंड्स एक ब्रश चाहिए, देखिए इस तरह से। इसका नंबर क्या है, नंबर 8 नंबर का फ्रेंड्स ये ब्रश है। चाकू और ये पेंसिल है, और साथ में ये मेजरमेंट टेप है एंड फेविकोल चाहिए इसके लिए हमें। बस मेजरमेंट टेप है तो यहाँ पे अगर इस तरह से पकड़ेंगे तो ये नहीं हो पाएगी, इसलिए हम यहाँ एक से, ये जो इंच का यहाँ पे साइन है, तो लेकिन यहाँ से हम एक से नापेंगे और ये जहाँ तक जाएगी वहाँ तक आप इसे नापेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स आप एक बार इस तरह से यहाँ रखिए, ये देखिए एक पे मैं यहाँ रख रही हूँ, ये देखिए ये एक पे बिल्कुल यहाँ है एकदम इसके किनारे पर। और ये यहाँ पे कितना आ रहा है ये आप देख सकते हैं, यहाँ आ रहा है 10 और 5, 5 और 2, मतलब 10.17 है, ये 17 तक आ रहा है। तो हम इसे लिख लेंगे कॉपी में। देखिए फ्रेंड्स अब हम यहीं से ये नापेंगे। देखिए यहाँ पे ये 1, ये जो 1 है वो यहाँ लग रहा है, और साथ में यहाँ तक जाएंगे। हमें ये अंदर के पोर्शन में नापना है फ्रेंड, बाहर के पोर्शन में नहीं नापना। जैसे इस तरह से नहीं नापना है हमें, ये इस तरीके से नहीं नापना है, अंदर के पोर्शन में नापना है। इसीलिए मैं इसके एकदम एज पे ले रही हूँ। देखिए ये 1 यहाँ आ रहा है और ये यहाँ पे बिल्कुल 12, मतलब ये 1 फुट का है, 12.1 आ रहा है, तो हम इसको 12 पे ही रखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इसका मेजरमेंट अलग होता है और ये बीच में थोड़ी चौड़ी होती है विंडो में, ये जो ये स्क्वायर हैं ये थोड़े चौड़े हैं, तो हमें इसका अलग से मेजरमेंट लेना है। बाकी ये जो 4 हैं ये 1, 2, 3, 4 इनका एक ही मेजरमेंट है, और इधर भी ये 4 का एक ही मेजरमेंट है, लेकिन ये जो यहाँ 4 है इनका अलग मेजरमेंट होगा, तो वो भी हम पहले कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे ये यहाँ रखा, ये देखिए बिल्कुल 1 को एकदम इसके एज पे रखा मैंने, और ये यहाँ पे रखा, तो ये देखिए ये भी 12 इंच आ रहा है मतलब। तो फ्रेंड्स इसे भी हम नोट डाउन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी लंबाई को भी ले लेंगे। देखिए यहाँ पे ये 12, ये देखिए यहाँ 1 यहाँ है मेरा बिल्कुल एज पे, और साथ में यहाँ पे कितने पे आ रहा है, पूरे प्रॉपर 12 के बाद में आ रहा है, तो 12.1 है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने ये पूरा 1 इंच कम कर दिया है, तो जहाँ पे 12 आ रहा है मतलब वो 11 है, और 12.1 आ रहा है तो वो मतलब है 11.1। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था ये चीज़ यहाँ से हम कैसे नापेंगे, इस तरह से नहीं नप रही है, तो हमें 1 इंच को छोड़ रहे हैं, तो वहीं हमारा जो मेजरमेंट आ रहा है उसमें 1 इंच हम कम कर लेंगे। आप समझ गए ना फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने एक स्क्वायर की चौड़ाई ले ली है 10.17 और लंबाई है 12.1। तो आपको मैंने बताया है इसमें 1-1 इंच कम करने हैं, और यहाँ पे चौड़ाई है दूसरी जो स्क्वायर थी उसमें थी 12 इंच और इसमें 12.1, तो इसमें। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इस पे
निशान लगा लिए हैं मेजरमेंट करके। इस एक शीट में सिर्फ 3 ब्लॉक्स बनेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने ये निशान लगा लिए हैं। पहले इसे काटेंगे, तो देखिए मैंने इस तरह से ये धार वाला एक चक्कू ले लिया है, जहाँ से मैंने मेजरमेंट किया है मैं वहाँ से इसको इस तरह से काट लूँगा। करके अब देखिए रेडी हैं ये 8 बना लिए ब्लॉक्स हमने, और ये 4 ब्लॉक्स अलग हैं जिनके मेज़रमेंट अलग थे, तो ये हमने कर लिए हैं और टोटल 12 ब्लॉक्स बन गए हैं और ये 3 शीट में ही बन गए हैं। आ गई है कलर की बारी, तो देखिए आपके पास में जैसे भी कलर हैं या आप जैसे कलर करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आपको एक बात बता दूँ, आपको अगर जो भी कलर करने हैं वो आप सबसे पहले अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों तो बच्चों से पूछ के ही वो कलर कीजिए, क्योंकि ऐसे कलर के लिए उनकी परमिशन होनी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, देखिए ये जैसे मैंने ग्रीन कलर लिया है, पैरेट ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, उसमें मैंने ये जो है ये वाइट कलर का आप देख रहे हैं ये कलर नहीं है, ये फेविकोल है। इससे क्या है ये कलर चिपका रहेगा, हटेगा नहीं, इसकी इस तरीके से ये मजबूती भी आएगी इस कलर में। तो हम इस दोनों कलर को इनको दोनों को मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और इसमें हम 2-3 बूंदे पानी की भी डालेंगे ताकि ये पपड़ी नहीं बन जाए। अब हम कलर करना शुरू करते हैं। अपने बच्चों से भी कलर करवा सकते हैं, बच्चे भी खुश और आपका काम भी आसान। देखिए ये जो चीज़ है ये इन पे भी हमें कलर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रेड ऑक्साइड हो रखा है। अब ये क्या है, विंडो बहुत पुरानी है, हमें इससे हवा के लिए भी नहीं चाहिए, लेकिन हम इसे बंद भी नहीं करवा सकते। डेकोरेट किया जाए कुछ अलग तरीके से, तो अब यहाँ पे हम वाइट कलर कर देंगे। ये जो ये इतने इतने ये जो पोर्शन दिखते हैं ये वाले, ये इस तरह के पोर्शन, इनमें हम वाइट कलर कर देंगे। मैंने यहाँ पर वाइट कलर लिया है, उसमें बस पिंच ब्लू कलर लिया है, ताकि क्या है कि जब ये सूखेगा, जब हम कर देंगे कलर और उसके बाद में जब ये सूखता है तब धीरे धीरे वाइटनेस आने लग जाएगी। अगर यहाँ पे थोड़ा सा इसमें फेविकोल भी मिलाएंगे ताकि इसकी पकड़ मजबूत हो जाए। फ्रेंड्स इस तरह से आप इनको कलर कर देंगे। इसमें आपको डबल कोट करना पड़ेगा, तो देखिए एकदम वाइट कलर आएगा और ये बहुत ही प्यारा लगेगा। तो मैं इसे करके आपको अभी दिखाती हूँ। हम इन ब्लॉक्स को इस तरह से लगाएंगे। ये तो फ्रेंड्स देखिए ये इस तरह से इसमें फिट हो गया है बिल्कुल, और ये मैंने पहले लगा लिया था लेकिन वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, और ऐसे ही हम सारे लगाएंगे। देखिए इस तरह से हम लगा देंगे और ये हमारा तैयार हो गया है। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं ऐसे ही अच्छे मज़ेदार और नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।